इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। ये लैपटॉप चिप लेवल में जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है पावर स्विच लॉजिक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं PSL लॉजिक। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के जो लैपटॉप होते थे, उनमें बोर्ड को ऑन ऑफ कराने के लिए PSL लॉजिक का यूज होता था। एग्जाम्पल के लिए मदर बोर्ड है, 3542 का मदर बोर्ड है, उसमें लॉजिक काम करता है, तो आप देख सकते हो। तो इस लॉजिक का क्या मतलब होता है और इस लॉजिक का काम करने में कौन कौन सेक्शन का एनवायरनमेंट होता है, मतलब कौन कौन से सेक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑन ऑफ स्विच आता है और इसमें आपका चार्जिंग आईसी आता है, सेकंड आपकी आयो कंट्रोलर होती है और थर्ड आपकी बायोस आईसी होती है, और इसके बाद आपकी जो फिफ्थ नंबर आईसी होती है वो PCH या SOC होती है। वैसे ही PCH फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में PCH ही आती थी, बट आजकल भी कुछ मॉडल है जिनमें PSL लॉजिक वर्क करता है, तो आपको SOC भी इन्वॉल्व मिलेगी। तो सेक्शन काम किस तरह से करता था और इसका क्या लॉजिक होता था वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि हमारी आयो कंट्रोलर है, बोर्ड को ऑन होने के लिए सबसे पहले आयो कंट्रोलर को आपको AC OK का सिग्नल मिलना चाहिए। AC OK यानी कि अगर आपका वोल्टेज इन सेक्शन ओके है, वोल्टेज इन सेक्शन जब ओके होता है तो वोल्टेज इन सेक्शन की जो एक आईसी होती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी सारा काम करने के बाद एक सिग्नल आउट करती है जिसको हम बोलते हैं AC OK या AC IN। ये सिग्नल चार्जिंग आईसी से निकल के डायरेक्ट आयो कंट्रोलर आईसी में जाता है जिसको हम बोलेंगे PSL1। ये जो लॉजिक होता है, ये जो AC OK का सिग्नल होता है, ये लो लॉजिक पे काम करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सिग्नल होता है 0 होता है, यानी अगर आप आयो कंट्रोलर की AC IN वाली पिन पर ये सिग्नल चेक करोगे या सप्लाई चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। और इसके बाद क्या होता है, अगर ये चार्जिंग आईसी किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर रही है और ये AC OK का सिग्नल आउट नहीं कर रही है तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में सबसे मस्त है कि आपकी चार्जिंग आईसी से AC OK का सिग्नल आयो तक जाना चाहिए, तो इसको हमने मान लिया ये PSL1 है। इसके सेकेंड नंबर पर आता है आपका ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच पे क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच से जो सिग्नल जाता है उसको हम बोलते हैं PSL2। ये हाई लॉजिक पे काम करता है, यानी कि ऑन ऑफ स्विच पे जो सप्लाई आती है वो आपकी 3.3 सप्लाई आती है या 3.3 वोल्ट आती है, ये भी आपकी आयो कंट्रोलर आईसी पर जाएगी। तो सेकंड हमारा लॉजिक होता है ऑन ऑफ स्विच। तो चार्जिंग आईसी से AC OK का सिग्नल आ गया, ऑन ऑफ स्विच से आपका आ गया 3 वोल्ट। इसके बाद क्या होता है, आपकी बायोस आईसी ओके होनी चाहिए। ओके इन द सेंस बायोस की प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आयो से, क्योंकि अगर बायोस अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है तो फिर आयो आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारी मेन बायोस होती है, यही आयो को वर्क कराती है। तो इस कंडीशन में क्या है, इसके बिहाफ पर ये आईसी वर्क करती है। तो जैसे ही आपका PSL2 आ जाएगा उसके बाद आयो कंट्रोलर PSL आउट करती है PCH को, यानी कि अगर हम बात करें तो ये थर्ड नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं PSL आउट। ये भी हमारा लो लॉजिक होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 0 सप्लाई मिलेगी। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये तीनों सप्लाई PCH पे चली जाती है, इसके बाद आयो अपना एक सिग्नल PCH को देता है कि यानी कि ये सारी चीज़ें ओके हैं, उस कंडीशन में सिग्नल आता है जिसको हम बोलते हैं RSM रीसेट। RSM रीसेट जब इसको जाएगा उसके बाद ये SLP सिग्नल आउट करेगी, SLP अंडरस्कोर S3, S5 और S4। तो ये S3, S4 और S5 जब आयो को जाएगा तब आयो क्या करता है, जो SLP S3 अंडरस्कोर S होता है ये 3-5 वोल्ट के रेगुलेटर को ऑन कराता है, और इसके बाद आपका सच सप्लाई रन होती है और रैम का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में काम करता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपका ये सिग्नल ये सेक्शन लो हाई लो लॉजिक पे काम करता है। PSL1 आपका 0 होगा, PSL2 आपका 3 वोल्ट होगा और PSL3 जो आपका होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप जब CRO से चेक करोगे तो इस तरह का कुछ डेटा का फॉर्मेशन होगा। तो ये हाई लो का लॉजिक होता है। अब इसको हम स्कीमेटिक में समझेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो ये हमने 3542 का
3542 का स्कीमेटिक ओपन कर लिया है। इसमें अब हम देखेंगे PSL किस तरह से काम करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रन में टाइप कर देना PSL और यहाँ पर हम एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। PSL इन और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा PSL इन है, हैज PSL टू और PSL आउट। ये PSL आउट वही है जो PCH को जा रहा है। तो हमारा PSL वन क्या होगा और PSL टू क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो हम इसको पहले नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा PSL वन आ रहा है ये चार्जिंग IC से आ रहा है, ये आपका जीरो होगा, ये जीरो होगा। इसके बाद PSL टू जो आपका ऑन ऑफ स्विच का होता है, KVC पावर बटन दे रखा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 वोल्ट सप्लाई ये इस ट्रैक पर रजिस्टर के थ्रू पुल अप करी जा रही है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये सप्लाई आपकी जो होगी वो 3 वोल्ट होगी। 3 वोल्ट इन द सेंस अगर आप PSL टू चेक करोगे IO कंट्रोलर पर तो वहाँ पर आपको 3 वोल्ट मिलेगी। और इसके बाद जो आपका PSL आउट होता है यानी कि ये वाला, तो ये जीरो होगा। यानी कि लो हाई लो का लॉजिक होना चाहिए। अगर ये लो हाई लो का लॉजिक यहाँ पे नहीं होगा तो बोर्ड आपका किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होगा। तो अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर फिल करो बोर्ड में, उसके बाद फिर आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। और हाँ, BIOS का आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए IO से। तो BIOS का आप डेटा CRO से चेक कर लो कि BIOS प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद ये बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।